अभी मैं मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई हम महेंद्रगढ़ जिले में खड़े यार, मेरे बिल्कुल बैक साइड में एक मशीन देखने लाग रहे हो आप, या देख सको मशीन अच्छे से दिखा दे भाई साहब। गेहूं काटने की मशीन है ये, और गेहूं काटे भी है साथ की साथ, गेहूं को जो जो पूड़ी कह आगरा पूड़ी गद्दा कह इसको आप, उसको फोल्ड करके बांध भी है अच्छे से, उसको बांध गए प्रॉपर तरीके से काम करने लग रही है। ये साथी हमारे साथ मौजूद है, एक बार इसके साथ में ही आ जाओ। राम राम भाई। राम राम। के नाम है भाई? भाई मोहित। मोहित कै रुपए की लाया है मशीन भैया? सब्सिडी के साथ 340 की पड़ी। 340 की। कब लेकर आए आप भैया? ये 2 सीजन है। अच्छा, एक सीजन में स्टार्टिंग वाले में कितने रुपए कमाए इस तरह? आस पास 2.5 लाख रुपए। अच्छा, मतलब कीमत पूरी कर गया लगभग। हाँ लगभग। तो अब एक सीजन ही हो गया, कितना मजा आ रहा है? सही है। कब से ये सीजन स्टार्ट हुआ है? तो आज तक क्या सीजन में तो थोड़ी सी इशू रहे होगी, बारिश वगैरह की वजह से ना कम काम है। कम काम क्योंकि खड़ा गेहूं रहा ही ना, और बारिश की वजह से ज्यादा इशू है। ज्यादा इशू। फिर भी कई किले काट दिए होंगे? अप्रोक्स 10-12 किला तो काट दिए। अब शुरुआत हुई है, अभी कंटिन्यू चल रहा है लगातार, मतलब एडवांस आई है। क्या कह रहे थे? एडवांस में आए रहे हैं भाई मारा किला काट। हाँ हाँ लगातार। हाँ लगातार बढ़िया। कितने रुपये आप एक एकड़ के जमीन के? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में काट के और बांध के कट्ठी भी करो हो? ना कट्ठी ना करा, ऐसे ही छोड़ दा। ऐसे छोड़ देते हो। एक एकड़ में कितना टाइम लगा दो हो? एक एकड़ में अप्रोक्स 2-2.5 घंटा। 2-2.5 घंटा में मतलब शांति 5-4 किले निपटा। 5-6 किला सही। मशीन में कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या ना? मशीन में बस थोड़ी सी है कि घूमन में थोड़ा सा ज्यादा जगह चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। खराबी वराबी भी कुछ नहीं आती? खराबी बोल। अच्छा, कौन सी कंपनी की है? या BCS की है, इटली की कंपनी है। BCS BCS की इटली की कंपनी। इंश्योरेंस वगैरह इसका भी सब? इंश्योरेंस इसका नहीं होता है। नहीं होता। इंश्योरेंस है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागज सारे हैं। कल ना चोरी चकारी हो जाए सारी चीजें। एक बार चला के दिखाओगे आप? हाँ जरूर। चलो काट के दिखाओ। तो भाई अब ये मशीन चल रही, इस मशीन ने देख लो या मन लग गया बढ़िया। चलते चलते हमने रोड पे दिखी दिया भाई, और इसने देख कर मजा आ गया, यह वीडियो बनाने का जी कर गया। आपने यह वीडियो किसी लागी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। वीडियो देखो पहले तो कैसे काटते हैं, या साथ की साथ बंधन भी लाग रही है, ध्यान दे देख लो भाई। पुली साथ की साथ पुली बन त्यान लाग रही है। ये देखो उड़ा कर दिखा, ये देखो भाई मजा आ गया भाई का। जिम्मे किसानी की चीजें दिखावा ना, अपने जमींदार की नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आवा दिखावा, तो मजा आ भाई। यह वीडियो बनाने में भी आज कती मजा आ गया। लेकिन भाई मैं एक बात बड़े दुख के साथ कहूंगा भाई, जो किसान है ना इस जमींदार के पाछे, तो भाई राम भी पढ़ रहा है, सरकार भी पढ़ रही है, गरीब आदमी का मरना कर रखा भाई, कुछ नहीं छोड़ रखा इसके पल्ले। यो बेचारा रोज किसान फांसी क्यों खा है? कारण यो है क्यों भाई, क्यों मतलब सरकार के रेट क्यों भाई, ये ओले मी बरसन के टाइम पर राम जाना भाई किसका हाथ में राम चौधर देगा ना, छुट्टी पे चला जा है उसने नुए ने बेरा किस मौसम में बरसना चाहिए, कद बरसना चाहिए, नाश कर दिया इस हरियाणा का। राम भी गैल पड़ रहा, सरकार भी गैल पड़ रही भाई। वीडियो तो मैं नया देख तो ली, ताऊ तो मिलवावांगे कि ताऊ आ रहे अपने साथ। ताऊ राम राम। राम राम जी। ये अपना खेत है? हाँ जी है, तो दूसरे का फिर काट रहे हैं हम। आप काट रहे हो, मशीन है आपकी? मशीन है। मजा आ रहा है? मजा तो यही, हम तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, 12-12 हजार किला के मांग रहे हैं। तो एक बात और बता, इस राम ने के कहा होगा? राम ने के कहा, राम तो उपद्रव पे उतर रहा है, ये दाने हो गए तो इनको मिट्टी मिला रहा है। राम गए जमींदार का दाने होंगे देखे नहीं जा रहे? नहीं देखे जा रहे, कदे ओले गेरे है, कदे नाश कर गया। ऊपर तो सरकार, ऊपर से सरकार दोनों मिलकर, इन दोनों की इकट्ठी सरकार है ना, इनका क्या कर सकते ना, ना जमींदार को कोई मदद देते न और कुछ ना, सरकार का क्या कर सकते पर ना राम का क्या काट सकते। राम तो ऐसा लग गया जनू आप तो छुट्टी पे जा रहे, किसी आदमी तो चौधर दे के जा रहे जिसने नुए नहीं बेरा, कद ओले बरसने बरसना कद है राम की, जब बरसात का टाइम हो जब नहीं बरसे ना, जब ना बरसे, जब जरूरत पड़े ना राम की भाई बारिश की जरूरत है, जब नहीं गेरा बूंद भी ना, जब नहीं, जब तो दिखाता है मुंह फड़वाता है। हाँ,
ऊपर ने देखी जावर अपने लाइट भी उस टाइम कम ही आती है। हाँ उस दोनों टाइम मतलब सरकार का राम का कट्ठा साझा है कट्ठा। तो भाई एक बार और देख लियो यह मशीन लाग रही है। और भाई देखिए हमारा काम है सरकार के लिए भी बोलना, हमारा काम है भगवान से प्रार्थना करना। हे भगवान एक समय है इस जमींदार को जीवन में फिर बरस लिए बरसन का बतेरा टेम पड़ा है। और भाई यह मशीन देख लो, यह देखो भाई गले गल पुली बंद लाग रही है। यह देख लो भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना। तो भाई ये वीडियो आप लोगों ने देख ली, अब मेरी एक रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से सरकार से। देखिए भगवान तो इस जमींदार के पीछे पड़े रहा है, कदे ओले गिरे है, बरसात लगातार 10-12 दिन से बारिश होने लग रही है। लेकिन सरकार से अब मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक बार सरकार भी इस चीज़ पर ध्यान दे, इन गरीब किसानों को कम से कम मुआवजा जरूर दे। इनके इनकी तरफ अगर आप लिखाओगे तो शायद ये फांसी ना खावें, शायद ये आत्महत्या ना करें, क्योंकि गरीब किसान चारों तरफ तक गिर गया। ना भगवान का कि मैं उखाड़ सकता और ना भाई थारा के मैं उखाड़ सकता सरकार वाले। तो भाई रिक्वेस्ट है इस किसान ने भाई आत्महत्या करने तो बचा लो और इन तय भाई वो थोड़ा मुआवजा दे दो सभी किसानों का भाई, जायजा लो इसका कितना नुकसान है उसी के अकॉर्डिंग मुआवजा सबने मिलना चाहिए। या मशीन एक बार और देख लो भाई, यह कट लग रही है। वीडियो आप लोगों ने देख ली, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और भाई कोई भी इस तरह की मशीन लेकर आना चाहे तो भाई बहुत फायदे की मशीन है। सारे भाई राम राम, जय हिंद जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।